हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉल द इंडियन स्टॉपवॉच। तो मुझे कुछ कहना था मेरी ऑडियंस से और साथ ही नए व्यूवर्स से कि लास्ट टाइम हमने 3D मॉडलिंग को सिखाने के लिए फॉलो थ्रू ट्यूटोरियल सीरीज़ की शुरुआत की थी, जिसमें हमने एक फॉलो थ्रू ट्यूटोरियल भी बनाया था, राइट? तो वो वीडियो अपलोड होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि व्यूज़ और इंट्रैक्शन को देखने के बाद ऑडियंस जो हमारी है वो क्यूरियस है उस स्किल को सीखने के लिए, बट साथ ही इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है उस स्किल को अक्वायर करने के लिए। उसके पीछे का रीज़न ढूंढते ढूंढते मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स क्लियर नहीं हो रहे, राइट? क्योंकि हमने प्लान किया था कि फॉलो थ्रू ट्यूटोरियल सीरीज़ आएंगी जिनसे वो रिपीटेटिव स्किल्स देखेंगे और अक्वायर होंगे, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और उसके बाद बिगिनर सीरीज स्टार्ट करेंगे फॉर ब्लेंडर, राइट? तो इसको अगर असाइड रखे तो एक और सॉल्यूशन अप्रोच के बारे में मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसे फंडामेंटल ऐप्स हो जो एक्सटर्नली इंटरनेट या फिर हमारे लैपटॉप पर ही मिल जाए, तो उन्हीं को मैं ढूंढ रहा था, राइट? तो ढूंढने के बाद ही ग्लैडली लैपटॉप पर ही ढूंढने के बाद मुझे कुछ ऐसे ऐप्स मिल गए जो बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आपको यकीन नहीं होगा, कि विंडोज़ ही प्रोवाइड करता है, राइट? तो वैसे ही कुछ चार ऐप्स हैं जिसमें से दो यूज़फुल है बहुत ही ज़्यादा और दो 3D प्रिंटिंग रिलेटेड है। टेंशन मतलब हम चारों के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे इस वीडियो में, और जो आगे की प्रोसेस रहेगी मतलब एक्सप्लोरेशन वीडियो का वो फर्दर वीडियोस में देखेंगे, राइट? तो लेट्स नॉट वेस्ट अवर टाइम, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एन फर्स्ट सॉफ्टवेयर विच इज। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट ऐप के साथ जो ऑलरेडी सब विंडो यूजर्स जानते हैं, कभी ना कभी तो देखा ही होगा लेकिन यूज नहीं किया। यस, बोलने में मुझे थोड़ी हंसी आई, लेकिन उसका नाम है पेंट 3D, राइट? पेंट 3D सच में। तो ऑनेस्टली कहूँ तो ये रियली गेम चेंजर हो सकता था जो फंडामेंटली सीखना चाहते हैं 3D मॉडलिंग या कुछ भी 3D स्पेस के बारे में। मैं खुद सोच रहा हूँ कि मैंने इतने टाइम से ये क्यों नहीं देखा, और उन सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि जिसने ये ओपन नहीं किया, राइट? तो लेट्स स्टार्ट, सर्च करते हैं यहाँ पे 3D पेंट। तो दिस इज कॉल्ड पेंट 3D, ओपन कर लेते हैं इसको। न्यू फाइल, जैसा कि मैंने कहा था कि इस वीडियो में मैं सिर्फ इंट्रो दूंगा और इंटरफेस के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे कुछ मेनूज दिए, अगर कोई वर्क क्रिएट हो जाए तो उसे सेव करना है, सेव एज करना है, प्रिंट करना है, राइट? और ये कुछ मेनूज दिए हैं, ब्रशेस, 2D शेप्स, 3D शेप्स, स्टिकर्स, टेक्स्ट, इफेक्ट्स, कैनवास, 3D लाइब्रेरी। अब इसमें दोनों चीज़ परफॉर्म होती है, 2D और 3D, और ब्रशेस से डायरेक्ट पेंट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं सब, राइट? तो फिलहाल के लिए तो मैं इतनी जानकारी दे सकता हूँ, राइट? और आने वाला जो इसको वीडियो होगा वो सच में सरप्राइजिंग होगा आपके लिए, कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अमेजिंग है और सरप्राइजिंग एलिमेंट्स भी इसमें बहुत सारे। तो इसको बाद में एक्सप्लोर करेंगे डीपली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की तरफ, विच इज। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेकंड ऐप यानी सेकंड सॉफ्टवेयर के साथ, राइट? तो चलो सर्च करते हैं उसे। उसका नाम है, मैं बता देता हूँ आपको, इस 3D व्यूअर। तो 3D व्यूअर कुछ इस तरह से दिखता है अंदर से ऐप खोलने के बाद, राइट? तो यहाँ पर जस्ट ओके पे क्लिक कीजिए। तो ये पहले ही कुछ 3D लाइब्रेरी में जाओगे ना तो इस तरह के 3D मॉडल्स दिए हुए हैं, राइट? फिलहाल तो मैं इंटरफेस में इतना ही बता रहा हूँ, राइट? और ये कुछ मेन्यूज दिए हैं, इसको भी खोल के देख लेते हैं। ये कुछ इसमें प्रॉपर्टीज दिए जिस हिसाब से आप इस 3D मॉडल को चेंजेस दे सकते हो या कुछ पैरामीटर्स चेंज कर सकते हो उसके। और यहाँ पे भी तीन कुछ है, एनवायरमेंट लाइटिंग, स्टेट्स, शेडिंग और ग्रिड एंड व्यूज, राइट? तो फिलहाल के लिए इसका इंट्रोडक्शन मैं इतना ही दे रहा हूँ, फिर इस पर भी इन डेप्थ वीडियो बनेगा, जैसे कि पेंट 3D भी बनने वाला है। ये भी एक बहुत अमेजिंग ऐप है क्योंकि मैंने आज ही इसको एक्सप्लोर किया है और आपको बता नहीं सकता हूँ, ये भी बहुत पावरफुल ऐप है। इसे फंडामेंटली बहुत सी चीज़ें क्लियर करता है, तो इसके लिए अब आप भी एक्साइटेड रहना, राइट?
चलते अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, विच इज थर्ड। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे थर्ड ऐप यानी थर्ड सॉफ्टवेयर के साथ। फिर से टाइप करते हैं यहाँ पे प्रिंट 3D। जैसा कि मैंने कहा था, ये पहला ऐप है 3D प्रिंटिंग के रिलेटेड, राइट। सिंपल सा इंटरफेस है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। सिलेक्ट फाइल करना है, 3D ऑब्जेक्ट फाइल होगी, वो मैं बताऊंगा आपको ब्लेंडर में जब हम नेक्स्ट फॉलो ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे, उसके फाइल एक्सटेंशन कैसे क्या ओपन करना है। और ये जो है, इससे हिंट मिल जाएगा कि हमारा नेक्स्ट सॉफ्टवेयर क्या है, राइट। और ये टेक्स्ट से आपको पता ही चल गया होगा कि इसके लिए 3D प्रिंटिंग यानी 3D प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल तो मैं इस इंटरफेस को ऐसे ही बता सकता हूँ, बाकी ये भी बहुत यूजफुल ऐप है, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की तरफ, विच इज सो लेट्स बिगिन विद अवर फोर्थ सॉफ्टवेयर यानी हमारे चौथे सॉफ्टवेयर के साथ। फर्स्ट पे जाते हैं, लेट्स टाइप 3D बिल्डर। बिल्डर स्पेलिंग रॉन्ग होगी बट डिवाइस अपना काम कर रहा है। तो लेट्स सिलेक्ट न्यू सीन। अब मैं इसके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। पहले जो तीन ऐप थे वो ऑलरेडी विंडोज ने दिए गए थे, और ये माइक्रोसॉफ्ट से मैंने डाउनलोड किया, जो कि मैंने बोला था कि हिंट है थर्ड सॉफ्टवेयर में। थर्ड सॉफ्टवेयर में हिंट ये था कि लॉन्च 3D बिल्डर। तो लॉन्च 3D बिल्डर पर क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट यानी विंडोज अपने स्टोर पे लेके जाएगा और ये फ्री ऐप आपसे डाउनलोड कराएगा। इसे बस डाउनलोड कर लेना है, राइट। डाउनलोड करने के बाद ये कुछ ऐसा इंटरफेस देगा। इंटरफेस पे मत जाइए, बहुत सिंपल लग रहा है, या फिर ये नंबर्स देख के आप समझ रहे होंगे कॉम्प्लेक्स है। कुछ नहीं है इसमें, ना के बराबर, बहुत इजी है, बस एक्सप्लोर करने का तरीका चाहिए, राइट। वो तो मैं सिखा दूंगा इसके फर्दर वीडियो, इसका एक डेप्थ वीडियो बनेगा। फिलहाल इन सब ऑप्शंस पे ध्यान देते हैं। ये मेनू है, न्यू सीन, ओपन, सेव एज, 3D प्रिंट, ऑर्डर ऑनलाइन प्रिंट, प्रिंट ऑन पेपर, अबाउट दिस मॉडल, मॉडल के बारे में बताया गया है, 3D प्रिंटर स्टेटस, ये 3D प्रिंटर कौन सा है जब आप कनेक्ट करोगे किसी के पास होगा तो, राइट। तो ये फर्स्ट इंसर्ट ऑप्शन है, इसे ओपन कर लेते हैं। ये कुछ पैरामीटर्स दिए और कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए जो आप बाय डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट पैनल है, ये एडिट पैनल है, पेंट पैनल है, ये व्यू पैनल है, और ये हेल्प पैनल है। कंपैटिबल प्रिंटर्स कौन से होते हैं, यूजर गाइड, सब बताया गया है सॉफ्टवेयर आपको, जिनको 3D प्रिंटिंग में सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी है और खासकर यूज, वो कहीं ना कहीं पढ़ते ही हैं और कहीं ना कहीं उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि 3D प्रिंटर से इस यूथ ने ये क्रिएट किया या उनका ये स्टार्टअप क्रिएट हुआ है। तो शुरुआत हो रही है, कुछ है ऐसे जो कुछ कर देना चाहते हैं इस फील्ड में। तो एंड करते हैं हमारा ये ट्यूटोरियल, राइट। और जो पहले दो ऐप थे वो इंटरकनेक्टेड है, राइट, अपने आप से। जब आप उसमें क्रिएट करोगे 3D प्रिंट में, तो वो 3D व्यूअर पे आराम से दिखेगा। कहीं ना कहीं आप जब प्रिंट करने जाओगे 3D प्रिंटिंग, तो वो इंटरकनेक्टेड नहीं है, बट आप उस ऑब्जेक्ट फाइल को उसमें ओपन करवाओगे 3D प्रिंटर में, और 3D बिल्डर में भी आप ओपन करके उसमें चेंजेस कर सकते हो फिर वापस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक और आउटरो अनाउंसमेंट है, वो भी देख के जाइए, राइट। तो एक आउटरो अनाउंसमेंट करनी थी और साथ ही कुछ चीज़ें आपसे शेयर करनी थी। तो फिलहाल कैसा लगा वीडियो, यूनिक था, बढ़िया था, छोड़ो ये सब, समझ में आया, एटलीस्ट समझने की कोशिश तो की ही हो, राइट। और साथ ही मैं जो चीज शेयर करना चाहता था आप सभी के साथ, आई नो कि मेरी ऑडियंस जो है इस चैनल की वो इतनी ज्यादा ग्रो नहीं हुई फिलहाल के लिए इस कंटेंट को अडेप्ट करने की, लेकिन लेकिन आप सभी के पास वो पावर है कि आप इस कंटेंट और लर्निंग्स को उन 1% लोगों और जो चीजें सीखना चाहते हैं और उन बच्चों तक जो इस तरीके के कंटेंट को ढूंढते रहते हैं, तो प्लीज प्लीज प्लीज
इस कंटेंट को उन लोगों तक पहुंचाई, क्योंकि ये आप सभी पर ही निर्भर करता है कि आप इस कंटेंट को कितने सही लोगों तक पहुंचाते हो, राइट। ऑन दैट नोट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।